लखीमपुर खीरी में हिंसा में हुई 8 लोगों की मौत। राकेश टिकैत ने दिया बयान, कहा कार्रवाई न होने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। लखीमपुर खीरी में किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने लगाया जाम, जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन, अपने समर्थकों के साथ चौराहे पल्ले देश सवित मलिक। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश, किसानों ने अपराधियों पर की कार्रवाई की मांग, आज देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसान देंगे धरना। चित्रकूट दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए सभी पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता सलमान खान देर रात शाहरुख खान के घर पर पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 3 आरोपियों को कोर्ट ने एक दिन की एनसीबी हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ऐसे में मुश्किल घड़ी में सलमान अपने दोस्त से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे। शाहरुख खान के बंगले के बाहर सलमान खान अपनी गाड़ी में पेपराजी के कैमरे में कैद हुए और इस वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। सलमान खुद लोगों और मीडिया को गाड़ी के सामने से हटने का इशारा करते हुए भी दिखाई दिए। गौरतलब है कि एनसीबी ने आर्यन खान को शनिवार रात 7 अन्य मामलों लोगों के साथ एक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के दौरान हिरासत में लिया था। बाद में करीब 16 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने इस समय गिरफ्तार किया हुआ है। हालांकि आज 2:30 बजे कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद ये भी कह दिया गया है कि एनसीबी अब और ज्यादा उनकी रिमांड नहीं मांगेगी और आज कोर्ट में पेशी के बाद हो सकता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,769 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 180 लोगों की जान चली गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 26,718 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,64,458 हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,38,10,348 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,48,997 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में देश में अब तक 3,31,21,447 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 23,46,176 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 90 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,297 नए मामले सामने आए, वहीं 74 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद राज्य में अब तक 25,377 लोगों की जान गई है। यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 47,20,233 हो चुकी है। ऐसे में राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 1,47,000 से ज्यादा है। कोरोना की वजह से बता दें 1.5 साल से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद केरल में कॉलेज और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान भी आज से शर्तों का पालन करते हुए फिर से खोल दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि संस्थानों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी कि अंतिम साल के सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को टीके की कम से कम पहली खुराक मिल चुकी हो। कोरोना की वजह से 1.5 साल से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद आज केरल में स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं और सभी को शर्तों का पालन करना होगा। कोरोना गाइडलाइंस का सभी को पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के लिए आदेश दे दिए हों, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना अधिनियम को राज्यपाल की तरफ से दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पड़ने वाले सभी त्योहारों के लिए शासन की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों की कड़ी से पालन करना होगा। साथ ही दशहरा, रामलीला और दुर्गा पूजा संपन्न किए जाएंगे। वहीं इन्हीं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अमेठी कोतवाली
कोतवाली में देर शाम तक शांति समिति की बैठक चलती रही। ये बैठक उप जिलाधिकारी अमेठी महात्मा सिंह की अध्यक्षता में की गई। आगामी 7 अक्टूबर से दशहरा त्यौहार जो है, दुर्गा पूजा और दशहरा के संबंध में, तो उसमें दुर्गा पूजा समिति जो है या अन्य सदस्य जो उससे जुड़े रहते हैं उनको बुलाया गया है, और बुला करके जो शासन की गाइडलाइन है उससे उनको अवगत कराया गया है कि आप त्यौहारों को इस शासनादेश के अनुरूप, गाइडलाइन के अनुरूप उसको बनाए के उसी संबंध में इस कमेटी की बैठक चलती रही है। लोगों को बताया गया ये नियम है और कोई भी कार्य आप अनुमति लेकर के करेंगे, चाहे वो मूर्ति स्थापना हो या जो भी हो, मूर्ति विसर्जन हो, सबकी अनुमति है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सियासत अब गर्माती जा रही है और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने धरने पर बैठते हुए कहा कि किसानों पर अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म हुआ है, बीजेपी की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अखिलेश ने कहा कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने मृतक किसानों के परिवारों को 2 करोड़ की मदद, सरकारी नौकरी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धरने पर अखिलेश यादव बैठे, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रियंका गांधी भी कल रात लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकली थी। वहीं 4थी तस्वीर लखनऊ की है, जहां अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने ये पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पूरे देश में इस समय आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और यूपी में सियासत भी अब काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव को पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज अखिलेश अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष के घर के बाहर भी पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के निजी आवास के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, लखनऊ में जिस तरह से देखा जाए हालात अभी खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस की जीप को भी आग के हवाले कर दिया गया। अभी लखनऊ में हालात कैसे हैं? तारुण, सबसे पहले बता दूं कि इस टाइम सबसे बड़ी खबर जो है वो अखिलेश यादव को हिरासत में लेने हैं, और अब शिवपाल यादव की भी सूचना यही मिल रही है। शिवपाल यादव रास्ते में थे, वहां से उसको हिरासत में ले लिया गया है, और पुलिस अपने स्टाफ को सीधा यहाँ पे जो पहुंचे हुए हैं वहां से सीधे तरीके से वहां शिवपाल यादव को नजरबंद करेगी। और अब जो सूचना यही मिल रही है कि कोई भी विपक्ष का नेता होगा उसको लखीमपुर जाने से पहले ही रोक लिया जाएगा। कुल मिला के बारू सियासत जो है वो लगातार अब बढ़ती ही जा रही है। भले ही लखीमपुर की जो बोझ है वो अब पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, लखनऊ की जो सियासत है वो तूल पकड़ती जा रही है। गर्मी भी बेतहाशा होने के साथ साथ अब जो सरगर्मियां है वो और तेज होती चली जा रही है। लखनऊ में खासतौर से अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता हो, खासतौर से सीएम ने यह ऐलान कर दिया है कि कहीं से भी कोई भी नेता लखीमपुर तक यानी कि बॉर्डर भी क्रॉस ना कर सके। जी बिल्कुल रूबी, और इसीलिए तमाम नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है, और शिवपाल सिंह यादव के बाहर भी सुरक्षा घर के बाहर बढ़ा दी गई है, पीएससी भी तैनात कर दी गई है। और लेकिन रूबी, अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो वहां के हालात अभी कैसे हैं? देखिए, सूचना अभी जो मिल रही है, कल के एक हफ्ते पहले पत्रकार भी घायल हुआ था, उसकी भी पुष्टि कर दी गई है, उसको भी बताया गया कि उसकी डेथ हो चुकी है। कुल मिला के कहा जा रहा है अब लखीमपुर की जो तस्वीरें हैं वो डेली ही होती जा रही है, और अब लखीमपुर की जो सियासत है या ये कह सकते हैं वहां की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार रात से और तेजी से पकड़ चुकी है। और वहां के जो लोग हैं, किसान हैं, उसका भी सीधा यही मांग है कि जिनका बेटा यानी कि अजय मिश्रा कहते हैं उनके बेटे की बर्खास्त वहां पर उसकी गिरफ्तारी हो, अजय मिश्रा खुद बर्खास्त अपना हो और यहाँ से इस्तीफा दे। दूसरी बात यह है कि जो किसान जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा दिया जाए और साथ
रूबी और जिन किसानों की लखीमपुर खीरी में कल जान गई है, क्या उनका अंतिम संस्कार हो चुका है? क्योंकि देखिए राकेश टिकैत की तरफ से ये बयान आया था कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? पारुल, अंतिम संस्कार को लेकर अभी जो किसान फैमिली है वो डेड बॉडी के साथ जो जगह है यहाँ का लखीमपुर का वहाँ पे बैठी हुई है। उसका ये मांग है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लगातार यही सूचना मिल रही है और इसमें यही है कि फैमिली बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। फैमिली की सीधी मांग ये है जो आरोपी है उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए, जब तक हिरासत को नहीं लिया जाएगा जो हमारे परिवार के हित की हमने जिनको खोया है उसका हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिल्कुल रूबी, और देखिए लगातार कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। एफआईआर हालांकि दर्ज हो चुकी है राज्य मंत्री के खिलाफ भी और उनके बेटे के खिलाफ भी, लेकिन आगे अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? परुण, एक की जो मांगे है वो दो तरीके से मांगे हैं। पहली बात तो ये कहा है कि जो अजय मिश्रा है उसको अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। दूसरी बात उसके जो बेटे है उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया, अभी तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया। तीसरी बात यहाँ पे उसकी जो मांगे है जो परिवार है उसको न्याय दिया जाए। कुल मिला के देखा यही जा रहा है कि लगातार पुलिस जो है वो आश्वासन इसी बात को लेकर दे रही है कि आपको कार्रवाई में लगे हुए जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय दिया जाएगा। आदर पादर से तरीका यही अपनाया जा रहा है कि शवों को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन जो परिवार है किसान फैमिली जो है वो अभी बैठी हुई धरने पे उसका यही मांग है कि जब तक इनकी न्याय की गुहार पूरी तरीके से गुहार नहीं लग सकती है तब तक वो अपने परिवार के जो हिस्से है उसको वो अंतिम संस्कार नहीं कर। बिल्कुल रूबी, और देखिए इस पूरी घटना को लेकर देश भर में जो किसान हैं उनमें आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, और इसीलिए आज किसानों की तरफ से ऐलान किया गया कि देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर वो धरना प्रदर्शन भी देंगे। पारुल, देखिए अभी पहली जो खबर है उसके लगातार यही है कि सारे जो भी विपक्ष के कार्यकर्ता है या समर्थक है वो लगातार धरना देंगे। अभी मैं आपको ताजा अपडेट बता दूं, लखनऊ के सपा कार्यालय पे जो बाहर धक्का मुक्की का माहौल देखने को मिल रहा है, और दूसरी बात कार्यकर्ता हो या पुलिस हो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुद्रा के तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है साफ कि आमने सामने दोनों है बिल्कुल कि आज जो भी होगा देखना होगा अंजाम क्या होगा निकल के आएगा। और लगातार गाड़ियां अपनी सपा कार्यालय के पास सपा कार्यकर्ता है उन्होंने गाड़ियों को आग लगाई है। इसके साथ ही कई जगह ऐसी भी सूचना मिल रही है कि तोड़फोड़ की जा रही है, कई जगह पे पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की भी की गई है। लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है, खासतौर से जो मानेसू है यानी कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर ऊपर के सारे नेता उधर साइड में रहते हैं, तो सभी जगहों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा, पूरी तरीके से बैरिकेटिंग में तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है रूबी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखेगा, लगातार अपडेट आपसे आज पूरे दिन हम लेते रहेंगे। तो अब ऐसे में लखीमपुर खीरी की इस घटना को लेकर लखनऊ में भी काफी बवाल देखने के मिल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अखिलेश यादव जब लखीमपुर खीरी जाने के लिए अपने घर के बाहर से निकले थे तो वहां पर काफी हंगामा देखने के लिए मिला। हालांकि आपको बता दें कि उनके कार्यकर्ताओं ने पहले तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए, उसके बाद पुलिस की जीप को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये चार तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव जब घर से बाहर निकले तो बवाल देखने के लिए मिला। वहीं शिवपाल यादव के घर के बाहर भी काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है भारी संख्या में, ताकि वो भी लखीमपुर खीरी ना जा सके। तीसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की है जो कल रात लखीमपुर खीरी जाने के प्रयास करती रही लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। वहीं अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने ये चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया, यानी कि लखीमपुर खीरी में तो अभी हालात खराब हैं ही हैं, लखनऊ में भी इस समय हालात जो हैं वो ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उससे पूरे देश के किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ गया है। वहीं किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसानों ने अपराधी पर कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि रविवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे।
मेरठ में हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर डाली। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। वहीं माँ की मौत के बाद तीन बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पापा तो पहले यहाँ पे आए थे अंदर, मैं तो सोई पड़ी थी, और मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आँख खुली ना, जब मैं बाहर करने गई थी, और जब पता चला, मैंने कहा कि पापा या मम्मी खून में कैसे पड़ी है। पापा ने कहा कि मैं चौमिन लाया था ना, उसकी चटनी भी खरूंगी। और फिर मम्मी की वे ले गए थे, कान के कुंडल और नाक की बाली और बिछवे वे ले गए थे। फिर चले गए थे अंदर के संकल लगा के चले गए थे। फिर मैंने ऊपर जाके रुक के मचाए, कोई मोहल्ले वाला नहीं आया। फिर कोई आया था ना, फिर उससे मैंने संकल खुलवाई, फिर सबको बताया मैंने। मैं अपील करती हूँ तीन बेटियों के लिए, ये जनात बेटी, इनके लिए सरकार से इमदाद मिले। मैं भी बहुत लाचार मजबूर मजदूर औरत हूँ, मेरा आदमी भी अपाहिज है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बस की कुछ नहीं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करती हूँ इन बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इनके घर भार के लिए। मैं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर काजी खरीदपुर खेड़ के रहने वाली हूँ। जो मेरी बेटी पूनम थी, पूनम देवी, जो मेरी बेटी का हादसा करा, एक न करा, दो न करा, मुझे मालूम नहीं। मेरी बेटी मुझे पड़ी भी मरी भी मिली। मेरे पर फोन करा गांव प्रधान, जब मेरी बात हुई प्रधान जी से, प्रधान जी ने कहा आपकी लड़की रेड हो गई। आगरा में पैसों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र में दो पक्षों में पैसे के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं घायलों को दो लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मेरे देवर बोल नरारे टमाटा, मेरे पति आए लेटरिंग करके, सो मेरे देवर दाब लिया, तो मेरे आदमी ने उठाए वे पीछे, तो मेरे आदमी ने पामरा मार दिया। किसने मारा था? बच्चा ने, उससे बेचारन ने, उससे बेचारन गोरी ने मारा पामरा। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीलीभीत के जहानाबाद इलाके के शाही चौकी के पास बरेली से पीलीभीत जा रही प्राइवेट बस ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस भीषण हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हाँ, दो पेशेंट आए हैं, एक तो ब्रॉड डेड है, उसे मॉर्चरी में रखवा दिया, दूसरा पेशेंट है उसको भर्ती कर लिया गया। किस तरीके की घटना हुई कुछ है जानकारी? तो नहीं, एक्सीडेंटल है बता रहे हैं, 160 से आए हैं यहाँ पे। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई झड़प में 8 लोगों की मौत के बाद मामला बेहद गर्मा गया है। लखीमपुर में किसान रात से धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती वो धरना जारी रखेंगे। इससे पहले बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत सुबह 4:30 बजे के करीब लखीमपुर पहुंचे और उन्होंने लखीमपुर के एक गुरुद्वारे में किसानों की कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। बता दें, बैठक से पहले राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों की बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल लखीमपुर में धारा 144 लागू है, ऐसे में नेताओं को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और एफआईआर पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम भी है। वहां से विरोध करके अपने
जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे, लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।